राष्ट्रपति पर अभद्र टिप्पणी को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी नाराज हुई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऊपर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी भी आपको बता दें कि नाराज हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को एक आदिवासी महिला का राष्ट्रपति बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये आपको बता दें कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने कहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए और अपनी जातिवादी मानसिकता का त्याग करना चाहिए। तो यह बीएसपी अध्यक्ष ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा, देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर आदिवासी समाज की पहली महिला के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी का शानदार निर्वाचन बहुत लोगों को पसंद नहीं है। इसी क्रम में लोकसभा में कांग्रेस के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना अति दुखद, शर्मनाक और अति निंदनीय, अर्थात इनके द्वारा माननीय राष्ट्रपति को टीवी पर राष्ट्रपति कहने का विरोध करते हुए संसद की कार्यवाही भी आज बाधित हुई है। उचित होगा कि कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए देश से माफी मांगे और अपनी जातिवादी मानसिकता का परित्याग करें।